हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्पोर्टशाला में। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं बैडमिंटन बेसिक्स के बारे में। जब भी हम एक रैकेट लेते हैं, बैडमिंटन रैकेट, तो हमारे पास में दो चीज़ें आ सकती हैं। एक होता है बैडमिंटन का हेड हैवी रैकेट और दूसरा हो सकता है हेड लाइट रैकेट। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ये दोनों क्या होता है और कौन सा जो है आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसको बजा लीजिए और स्पोर्टशाला की एक और वीडियो का मजा लीजिए। गाइस, सबसे पहली बात तो कि रैकेट का हेड क्या होता है। तो रैकेट का हेड होता है रैकेट का ये वाला पोर्शन जिसके ऊपर स्ट्रिंग लगी होती है। ये जो बॉडी है ये अगर हैवी होती है तो रैकेट को बोलते हैं हेड हैवी, और अगर ये लाइट होती है, इसका वेट कम होता है, तो इसको बोलते हैं हेड लाइट। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। दोनों को यूज़ करने के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। हेड हैवी यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि हैवी होने की वजह से इसमें मोमेंटम ज़्यादा होता है और जो शटल है उसको ज़्यादा पावर डिलीवर हो सकती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, यानी कि जो शटल है आप उसको ज़्यादा तेज़ी से मार सकते हैं इसको यूज़ करते हुए। लेकिन दोस्तों इसका नुकसान ये है कि ज़्यादा तेज़ी से मारने के लिए, ज़्यादा मोमेंटम के लिए ज़्यादा पावर देना पड़ेगा। वो पावर आएगा हमारी मसल से, तो हमको ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा, और अगर हमारे पास इतना पावर नहीं है तो हो सकता है हमारे शोल्डर में या रिस्ट में या आर्म में कहीं भी इंजरी भी हो सकती है और हम जल्दी भी थक जाएंगे। तो ये दोस्तों इसका नुकसान है। तो अपने हिसाब से जो है चूज़ किया जा सकता है। अगर बात करें हेड लाइट की, तो उस केस में जो रैकेट का हेड है वो लाइट है, तो इसीलिए इसको हमें कम पावर देना पड़ेगा, कम मोमेंटम देना पड़ेगा, और इसकी जो स्पीड है वो बन जाएगी रैकेट की। लेकिन दोस्तों इसके यहाँ पर नुकसान ये है कि कम मोमेंटम की वजह से जो शटल को पावर ट्रांसफ़र होगी वो भी कम होगी और उसका मोमेंटम भी कम बनेगा, यानी कि शटल की स्पीड आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। आप बहुत तेज़ी से, कितना ही तेज़ी से मार लीजिए, आपका जो हाथ का पावर है वही यूज़ होगा शटल को पावर देने में। जो इसका मोमेंटम है क्योंकि हल्का है तो वो जो है ज़्यादा उसमें ऐड ऑन नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो शटल है उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी और जो स्मैशेज वगैरह हैं वो बहुत तेज़ नहीं मारे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, लेकिन जो मार्जिनल फैक्टर है ना वो ज़रूर हो जाता है। एक खिलाड़ी जो है हो सकता है हेड लाइट वाले शॉट को उठा दे, भले ही शॉट काफ़ी तेज है, लेकिन हो सकता है हेड हैवी वाले को ना उठा पाए। लेकिन बात वही है, हेड हैवी भारी होता है, जल्दी थक जाएंगे और हाथ में लग भी सकती है। तो अपने हिसाब से जो है यूज़ करना चाहिए, और मीडियम वेट वाला जो होता है वो सबसे बेटर ऑप्शन भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था हेड हैवी और हेड लाइट रैकेट के बारे में, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए आगे आने वाली स्पोर्ट्स की और वीडियोज़ के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।